बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर द्वारा आयोजित शैक्षिक गुणवत्ता सेमिनार एवं एडु लीडर सम्मान समारोह का आयोजन योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह तारा मंडल में किया गया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में एडु लीडर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी द्वारा दीप प्रज्वलित कर तथा माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। सम्मान समारोह के दौरान प्रदेश के सभी 75 जनपदों के उत्कृष्ट शिक्षकों का बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश त्रिवेदी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले शिक्षकों का एक मोमेंटो का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी, अपर महानिदेशक स्कूली शिक्षा ललिता प्रदीप, पूर्व क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी निशा मिश्रा, एडी बेसिक्स डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी, बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी और 75 जनपदों से आए हुए शिक्षक मौजूद रहे। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि सन 2017 के बाद बेसिक शिक्षा विभाग की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जहां शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ी है, वहीं प्राथमिक सरकारी विद्यालयों का रूप रंग भी बदल दिया गया है। कायाकल्प योजना मिशन प्रेरणा के तहत बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी उपलब्धि कायम की गई है और शिक्षकों का सम्मान भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाई गई है और छात्रों को शासन द्वारा विभिन्न सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने कहा, दिल्ली और ले जाने के लिए उत्कंठित सर का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन उपस्थित है। मैम का भी हार्दिक स्वागत वंदन के पूरी सेवानिवृत्त श्रीमती निशा मिश्रा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश संबंध से अनुरोध है। हमें नृत्य और मांग वंदन है। एक बार पुनः इस दीप के सम्मुख यह आकांक्षा रहती है कि टिमटिमाती रहे लौ, टिमटिमाती रहे लौ, जब तक हवा में है समरण शक्ति और कायल के पक्षियों में कलर। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुम्हें पावन, दीप ज्योति नमोस्तु। माँ सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय के कर कमलों से दीप प्रज्वलन के पश्चिम अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती से यह प्रार्थना है कि हे माँ, आपका वरद संपूर्ण जगत पर एवं बेसिक शिक्षा पर सदैव बना रहे, जिससे आने वाले आप पुष्ट कलिका। अध्यापकों ने अपना कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि हम नए एजुकेटर्स को कैसे पैदा करें। आप तो एजुकेटर्स बन गए हैं। मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने जनपद में और भी अच्छे अध्यापकों को जोड़ें और बेसिक शिक्षा में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री के संरक्षण में फल फूल रहा है और बेसिक शिक्षा विभाग नई उन्नतियों की तरफ जा रहा है, इसमें सभी शिक्षक साथियों का बहुत ही सहयोग है और सभी का बहुत ही आभार है। आप सभी के सहयोग से ही बेसिक शिक्षा विभाग उन्नति की तरफ जा सकता है। तो मैं इस गोरखपुर की पावन धरती पर, जो बुद्ध की धरती रही है, कबीर की धरती रही है, बहुत ही पवित्र धरती है, बहुत ही विद्वान लोगों की धरती रही है, मैं सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उन्होंने आमंत्रित किया और यहाँ चलकर आना इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जो वैरायटी, जो क्वालिटी, जो उत्कृष्टता आप लोगों के द्वारा यहाँ प्रदर्शित की जाती है, ये अवसर होते हैं जब हम उनके बारे में जानकारी कर पाते हैं। ये गुरु वंदन का कार्यक्रम विगत वर्ष मुझे याद है कि हम लोग ऑनलाइन वेबिनार कर रहे थे और 5 सितंबर आया तो ये तय किया गया कि ऑनलाइन प्रोग्राम किया जाए और उस समय भी माननीय मंत्री जी ने अपना भरपूर समय उस कार्यक्रम के लिए दिया था। आज हम लोग इस कोरोना टाइम में थोड़ी सी मुक्ति मिली, थोड़ी सी राहत की सांस और फिजिकली एक दूसरे के बीच में है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। निर्माणों की पावन युग में हम चरित्र निर्माण भूले,
सुधा का कल्याण न भूली। जब भी हमारे विभाग की खबर आती है तो वो खबर स्कूल की बिल्डिंग की होती है या वो खबर बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं, मिड डे मील है, यूनिफार्म है, जूते मोजे हैं, स्वेटर हैं, किताबें हैं, वहीं तक सीमित रह जाती है। हमारे पास ऐसे शिक्षक भी हैं उत्तर प्रदेश के इन 75 जनपदों में जिनकी प्रस्तुति हमने देखी है और जिसमें बिनी बंसल जैसी महिला शिक्षक भी शामिल हैं। आपने देखा है कि उन्होंने मतलब उनको कोई एक असमर्थ व्यक्ति कैसे कहे। अच्छा ही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों को दिव्यांग कहा है, क्योंकि उन्होंने जब नामकरण बदला था तो कहा था कि ईश्वर हो सकता है इनको कोई अंग ना देते हो, कम देते हो, या किसी घटना दुर्घटना में कोई अपना अंग ये लोग खो देते हो, लेकिन जिस दिन उनकी वो स्थिति होती है उसके बाद से ही कुछ ऐसी दिव्य शक्ति ईश्वर उनको देता है कि सामान्य लोगों से ज़्यादा काम करते हैं वो। और आज उसको प्रमाणित किया है यहाँ हमारी शिक्षिका विनी बंसल, किस तरह से 200 के नामांकन संख्या को 400 से ऊपर पहुँचाना, किस तरह से 2013 के विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को 2020 तक आते आते एक अच्छे सुसज्जित विद्यालय के रूप में पहुंचाना, और ऐसे तमाम सारे प्रेजेंटेशन सवेरे से यहाँ हुए हैं। मैं यहाँ सुबह से नहीं हूँ, लेकिन जो जानकारियाँ मुझे मिली हैं, जो प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर देखा है, ऐसा भी हमारे विभाग में हो रहा है, ये बात बाहर नहीं आती है। इसलिए यहाँ पर आज इस एडू लीडर अवार्ड 2021 के कार्यक्रम में हमारे सभी जनपदों से उपस्थित वो शिक्षक तमाम, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, जिसमें राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने अपने स्कूलों में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में, स्कूल के पास के गाँव में, अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में कुछ विशेष किया है और उस विशेष की प्रस्तुतिकरण के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए भी नहीं आए हैं कि ताकि उसका प्रचार हो सके, इसलिए भी नहीं आए हैं कि उनको पुरस्कार प्राप्त हो सके, इसलिए आए हैं कि अन्य जनपदों के शिक्षक और मीडिया के माध्यम से जो यहाँ नहीं आए हैं उन सारे लोगों को एक प्रेरणा मिले और वो भी कुछ अच्छा करने को सोचें। इस कार्यक्रम में, इस अवसर पर मंच पर हमारे बीच उपस्थित हमारी अपर निदेशक बेसिक शिक्षा मुख्यालय श्रीमती ललिता प्रदीप जी, मैं गोरखपुर में विद्यार्थी रहा हूँ यही गोरखपुर विश्वविद्यालय का, तो मुझे लगता है शायद निशा जी से मैं परिचित हूँ, वो शायद मुझे ना जानती रही हूँ, तो यहाँ की पूर्व क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी निशा मिश्रा जी, मुझे अच्छा लगा कि आज इस मंच पर एक खिलाड़ी और वो भी महिला खिलाड़ी हमारे बीच में है। जब उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को उसकी क्षमता के प्रस्तुतिकरण के लिए और अन्य महिलाएं आगे बढ़ सके उनको प्रेरित करने के लिए अभियान चला रही है। का बदला परिदृश्य, बेसिक शिक्षा विभाग का हो चुका कायाकल्प के निर्माण में एक नए उत्तर प्रदेश का, एक उत्तम उत्तर प्रदेश के निर्माण के अभियान में जो सहभागी बन रहा है, वो तस्वीर आप सबके सम्मुख आए, वो तस्वीर पूरे प्रदेश और समाज के सामने आए, वो आप ही हैं जिनके बल पर। जब 2017 और 18 के आंकड़े के आधार पर जब हमारी सरकार अभी अभी आई थी, उस समय के उसके पीछे के 5 साल के 3 साल के आंकड़ों के आधार पर जब नीति आयोग ने सूची जारी की थी, तो उत्तर प्रदेश 20वें 21वें स्थान पर था, और हमसे वो प्रश्न पूछा गया था, तो हमने अपने मीडिया के मित्रों को कहा था कि ये पिछली सरकार की कारगुजारियों का परिणाम है,
आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को काम करने दीजिए। जब हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा होगा, उस समय जो परिणाम आएगा, तो निश्चित रूप से हम देश के टॉप 10 प्रदेशों में होंगे। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि अभी अभी जब 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स जारी किया है, तो तब के 600 अंकों से आगे बढ़कर 800 से अधिक अंक प्राप्त करके जहां हम पांचवें पायदान पर खड़े थे, पांचवें ग्रेड में खड़े थे और देश के सभी राज्यों में 20वें स्थान पर थे, आज हम पहले ग्रेड में शामिल होकर देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में हमारा स्थान है। रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कृपया आप अपने एडुलीडर के पास से जितने लोग हैं आपसे की गरिमा का ध्यान रखते, शिक्षा मंत्री सर की गरिमा का ध्यान रखते हुए कृपया आप सभी अपने स्थान को ग्रहण करें। प्लीज आप सबसे रिजिड नंबर डॉक्टर श्रीकांत जिसका सुमन रानी से बागपत से मेरी बहुत और नहीं है कुसुम तिवारी मैडम गोरखपुर में ही मेरी पढ़ाई हुई है और यहीं रह करके वर्षों कुशीनगर में नौकरी की है, तो इन सब के साथ बड़ा उठना बैठना रहा है, इतने ज़्यादा उत्साहित हूँ मैं। ये हमारे शिक्षक हैं, कौन सा विद्यालय आपका? प्राथमिक विद्यालय खजदोपुर माया अयोध्या से, मैं ब्रजेश कुमार यादव। इनका विद्यालय पूरे प्रदेश में कहीं से ऑनलाइन देखा जा सकता है, ये इतना टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है। हमारे बीच में आजमगढ़ के जीवनी से एक अध्यापक अभी आए थे, पुरस्कार लेकर गए हैं, उन्होंने मैथमेटिकल पार्क बनाया है, बच्चे पार्क में खेले भी और गणित भी सीखे। और अभी जो सामने खड़ी हैं, इन्होंने इन दोनों लोगों ने मिलकर के 35,000 मेरठ मंडल में 35,000 से अधिक बच्चियों को सैनिटरी पैड बांटे हैं और स्वच्छ भारत अभियान में बड़ा योगदान एक शिक्षक के रूप में किया है, इससे मुझे लगा कि आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए। श्री राम जी शर्मा देखिए, मैं अन्य अध्यापकों से भी यही कहना चाह रहा हूं कि अपने जिन प्रयासों के कारण, अपने स्कूलों का अच्छा बनाने के कारण, अपने स्कूल में पठन पाठन का अच्छा वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के कारण आज यहां उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के 75 जिलों के 75 लोगों को जो एडु लीडर्स अवार्ड दिए गए हैं, तो जो भी शिक्षक इस तरह का प्रयास करेंगे उनको न केवल विभाग सम्मानित करता है बल्कि समाज भी सम्मानित करता है। इसलिए गुरु की भूमिका का निर्वहन करते हुए हमारे सभी शिक्षकों को अपने अपने स्कूलों को उत्तम स्कूल और अपने अपने बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय खुले हैं और 1 से 5 तक के विद्यालय खुले हैं, कुछ छोटे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, उनके लिए क्या आवश्यकता है? नहीं, उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि पूरा SOP जारी किया गया है, COVID-19 के प्रोटोकॉल के पालन करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसलिए अपने सभी शिक्षकों अभिभावकों और बच्चों से सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि अभी पूरी सावधानी के साथ स्कूल जाएँ, मास्क लगा कर जाएँ, शारीरिक दूरी बनाकर बैठें, जो भी कोविड के दिशा निर्देश COVID-19 के संदर्भ में दिए जा रहे हैं उनका पालन करते हुए स्कूल जाएं ताकि पठन पाठन का नुकसान भी ना हो और बच्चे सुरक्षित भी रहें।